जोहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि CAA नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में 11 तारीख को भुरकुंडा मतकमा चौक स्थित हिंदू धर्म कार्यालय से तिरंगा यात्रा जुलूस निकाली जाएगी, जो भुरकुंडा के रामनवमी मैदान से थाना चौक के मैदान तक पहुंचेगी। कल 9 तारीख को रामगढ़ में निकलने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मतकमा चौक से लोग जा रहे हैं। 11 तारीख को हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ खाइए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई जगह में हम समझते हैं कि जो CAA है उससे किसी का नुकसान नहीं है, भारत के किसी भी नागरिक को उससे नुकसान नहीं है, फिर भी कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको चेतावनी देने के लिए हम लोग 11 तारीख को निकल रहे हैं कि तुम इस तरह के लोग अपने वहाँ बरगलाने का जो काम कर रहे हो जिससे तो हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तो फिर तुम विरोध किस बात का कर रहे हो। इस वजह से मैं समर्थन कर रहा हूँ और ये भरपूर ये है सभी लोग भाइयों से ये है कि सभी लोग समर्थन करें और भारी संख्या में आए। जहाँ तक एक मंच में लाने की बात है तो हम सभी हिंदू एक मंच में हमेशा थे हैं और आगे भी रहेंगे। रही बात 11 तारीख को होने वाले तिरंगा पदयात्रा की, तो उस दिन हम केवल हिंदू ही नहीं हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जो कानून भारत सरकार ने लाया है CAA, ये देश हित में कानून है और इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि वैसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, वैसे लोगों को नागरिकता देने का ये कानून है। इसीलिए हम सभी एक हैं और आने वाले समय में भी एक ही रहेंगे। कल के रामगढ़ में जो जुलूस है उसमें आपको समर्थन देने गया है? हाँ, उस जुलूस में भी हम सभी को जाएंगे, हमारा समर्थन है और बड़ी अच्छी संख्या में हम लोग रामगढ़ के लिए भी कल प्रस्थान करेंगे।